इन दिस वीडियो हम बात करेंगे तीन ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो पोटेंशियल रखते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम से आने वाले एक से डेढ़ साल में डबल होने का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टू इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर्स। इन सारे स्टॉक्स में मैं पर्सनली इन्वेस्टेड हूं और मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस के हिसाब से लगता है दैट इन सारे स्टॉक्स में पोटेंशियल है आने वाले एक से डेढ़ साल में डबल होने का। और सेकंड डिस्क्लेमर, ये कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, तो अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद रिसर्च जरूर कर लेना। टू सिलेक्ट दी स्टॉक्स माई इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट इज फर्स्ट कंपनी का बिजनेस, यानी कंपनी किस सेक्टर में बिजनेस करती है और उस पर्टिकुलर सेक्टर में वो ओवरऑल कैसा परफॉर्मेंस दे रही है, प्लस उस पर्टिकुलर सेक्टर ने ओवरऑल कैसा परफॉर्मेंस दिया है। हमारा सेकंड चेकलिस्ट है उसके फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल परफॉर्मेंस, कि कंपनी ने लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली एज वेल एज फंडामेंटली कैसा परफॉर्मेंस दिया है। और हमारा थर्ड चेकलिस्ट है उनके पीयर कंपैरिजन, यानी उस सेम सेक्टर में और कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो वर्क करती हैं और उनके रिस्पेक्ट में हमारे जो सिलेक्टेड कंपनी है उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि यार जल्दी मुझे स्टॉक के नाम बताओ और मैं कल जाके उनको खरीद लूं। तो मैं आपको बताऊं, मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो शॉर्ट टर्म में सिर्फ स्टॉक के नाम के बेसिस पे और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उनको बाय कर लेते हैं। अब ऐसे लोगों के साथ होता यह है, जब किसी भी अनसर्टेनिटी की वजह से वो पर्टिकुलर स्टॉक अगर मार्केट में फॉल होता है तो वो उसमें कन्विक्शन नहीं रखते और उसको बेच देते हैं, क्योंकि उन्हें उस पर कॉन्फिडेंस नहीं होता। अब ऐसे लोग जिन्होंने उस स्टॉक के बारे में डीप में इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट की होती है, वो उस पर्टिकुलर स्टॉक को गिरने के बाद और ज्यादा बाय करते हैं। और मैं आपको बताऊं, लॉन्ग टर्म में जो ये दूसरी कैटेगरी ऑफ लोग हैं, ये हमेशा मार्केट में पैसे कमाएंगे, और जो पहले कैटेगरी लोग हैं जिसमें 90% लोग आते हैं, वो हमेशा मार्केट में लूज करेंगे। तो अगर आप इन स्टॉक से एक्चुअल प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो पहले स्टॉक्स की पूरी इंफॉर्मेशन लेना एंड फिर डिसाइड करना कि आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सो कमिंग टू द स्टॉक्स, हमारी पहली कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। अगर मैं हैप्पीएस्ट माइंड के बिजनेस के बारे में बात करूं तो कंपनी तीन सेगमेंट में काम करती है। फर्स्ट डिजिटल बिजनेस सॉल्यूशन, दैट इज DBS, सेकंड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, एंड थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज। जो लोग IT सेक्टर के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं रखते उनके लिए मैं हैप्पीएस्ट माइंड का बिजनेस आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर देता हूं। कोई भी कंपनी जो अपना बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट करना चाहती है, उसको ऑनलाइन शिफ्ट के लिए सॉफ्टवेयर, क्लाउड पे स्टोरेज जिसको वो मैनेज कर सके, जिसपे उसका डेटा मैनेज कर सके, एनालिटिक्स जिसके बेसिस पे वो अपने कस्टमर का बिहेवियर जान सके, सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी, इन सारी चीजों को जरूरत पड़ती है। तो इन सारी चीजों की सर्विस हैप्पीएस्ट माइंड उनको देता है। अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूं, सो एज यू कैन सी कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे अपनी सेल्स में इंक्रीज दिखाया है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 268 करोड़ का है, जो कि एक इंक्रीजिंग फॉर्मेट में है, और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 24% का है। अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बारे में बात करूं तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्लस क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज दिखाया है, जो कि है 204 करोड़ का। अगर मैं कंपनी के ROE की बात करूं तो 10 साल का ROE है 15% और लास्ट 1 ईयर का ROE एक्सेप्शनल, जो कि है 31%। अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट पे भी जाए तो एज यू कैन सी कंपनी के जो शेयर कैपिटल है उसमें जो उनकी बोरोइंग्स है वो भी स्टेडली बढ़ी है, बट उनके साथ साथ कंपनी के रिजर्व भी कंसिस्टेंट बेसिस पे बढ़े हैं, जो कि अराउंड 1083 करोड़ के। अगर मैं आपको कंपनी के लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न पे ले जाऊं तो एज यू कैन सी लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी है, और कंपनी ने अपना टॉप सितंबर 2021 में अराउंड 1500 के अराउंड लगाया था, और करंट में कंपनी का जो प्राइस है वो 1000 के अराउंड है, और कंपनी अपने टॉप से 33% के डिस्काउंट पे है। अगर मैं कंपनी के पीयर्स के बारे में बात करूं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हैप्पीएस्ट माइंड का इंडियन मार्केट में कोई डायरेक्ट पीयर नहीं है। फॉरेन मार्केट्स में इसके दो कॉम्पिटिटर्स हैं, बट उससे हैप्पीएस्ट माइंड को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आर नेक्स्ट स्टॉक इज HDFC लाइफ। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करूं तो नाम से ही समझ में आ गया होगा दैट HDFC लाइफ लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में बिलोंग करता है। अगर मैं पर्टिकुलरली लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बात करूं तो इस सेक्टर के बारे में मुझे दो बातें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। पहली कि ये अपने आप में एक अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है, और इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज है वो भी बहुत ज्यादा है। अगर मैं इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल की मानूं तो उसमें क्लियरली ये मेंशन्ड है दैट इंडिया की 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल अनइंश्योर्ड, और COVID-19 के पेंडेमिक के बाद जब लोगों ने अपने लव्ड वंस को खोया तो उनके अंदर इंश्योरेंस सेक्टर की अवेयरनेस अपने आप में काफी ज्यादा बढ़ गई है। कंपनी ने ये रिपोर्ट किया है दैट फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इंश्योरेंस सेक्टर में उन्होंने 18% की डिमांड का विटनेस किया है, जो कि पहले की डिमांड के मुकाबले काफी ज्यादा है। विद दिस इंक्रीज इन डिमांड, जो सेकंड बात मुझे इस सेक्टर के बारे में काफी अट्रैक्टिव लगती है वो ये है,
दैट इस सेक्टर में 60% ऑफ द मार्केट एलआईसी अकेले होल्ड करती है। अब उसका रीजन ये है दैट एलआईसी अपनी जो पॉलिसीज होती है वो अपने एजेंट्स के थ्रू सेल करती है, और एजेंट्स जो लोग अपने अगल बगल रहते हैं, उनके रिश्तेदार, उनके फ्रेंड्स, उनको जब कोई पर्टिकुलरली उनके जान पहचान का आदमी जाके खुद अप्रोच करता था तो लोग उस पर ज्यादा भरोसा करते थे। बट अब जब ऑनलाइन लाइफ इंश्योरेंस को लेकर कन्वीनियंस बढ़ता जा रहा है तो लोग ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कंपनीज को प्रिफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू एलआईसी, बिकॉज इनका प्रीमियम भी कम होता है और इनमें जो क्लेम पॉलिसी थी, जो लोगों को एक मिथ था दैट प्राइवेट कंपनीज क्लेम देने में दिक्कत करेंगी, और वो भी गैप अब बहुत ज्यादा जल्दी फिल होता जा रहा है। और इस गैप के फिल होने की वजह से धीरे धीरे जो प्राइवेट कंपनीज है वो एलआईसी से मार्केट शेयर कैप्चर करती जा रही है। अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको इसके चार्ट पैटर्न पे लेके चलता हूं। तो अगर आप इसके 3 साल का चार्ट पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि 2020 में कोविड पैंडेमिक के बाद कंपनी ने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी है। इसका रीजन ये है दैट पैंडेमिक में रिकवरी के होने पे भी इस पर्टिकुलर सेक्टर में पैंडेमिक में लाइफ को जो लॉस हुआ उसकी वजह से कई सारे क्लेम्स आए, जिसकी वजह से जो कंपनी के फाइनेंशियल्स पे बहुत ज्यादा बर्डन पड़ा और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन पे भी कई सारा फर्क पड़ा। इसके बाद फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, और जब सितंबर 2021 में ये सब एंड हुआ तो आप सबको पता है दैट इंडियन मार्केट में एफआईआईज ने सेलिंग करना चालू कर दी। इस सेलिंग की वजह से जैसे ही कंपनी थोड़ा सा परफॉर्मेंस दे रही थी, कंपनी का स्टॉक फिर से प्रेशर में आ गया और मार्च में कंपनी ने फिर से अराउंड 550 का लो लगा दिया। अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे आऊं तो एज यू कैन सी सेल्स में कंपनी ने डिक्लाइन शो किया है ईयरली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे। अगर मैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो ईयरली बेसिस पे ये जंप हुआ है, बट क्वार्टरली बेसिस पे यानी लास्ट क्वार्टर मार्च के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें डिक्लाइन हुआ है। पर फिर भी मैं आपको बता दूं दैट लाइफ इंश्योरेंस के केस में हम लोग क्वार्टरली बेसिस पे जज नहीं करते, सही जजमेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही होगा। अगर मैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करूं तो वो अराउंड 3% का, और नेट प्रॉफिट पे अगर हम आए तो वो अराउंड 329 करोड़ का, जो कि ईयर और ईयर बेसिस पे बेटर है, बट स्टिल जैसा मैंने आपको बोला क्वार्टरली बेसिस पे ये गिरा हुआ है। बट अगर आप इनकी बैलेंस शीट देखो तो इसमें कंपनी का जो शेयर कैपिटल है और रिजर्व है वो काफी अच्छे नंबर से ग्रो हुआ है, और आप कंपनी के ओवरऑल एसेट्स देखें तो उसका नंबर है 230734 करोड़, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे एक बहुत ज्यादा बड़ा जंप है। अब हम आते हैं इनके पीयर कंपैरिजन पे। सो एज यू कैन सी अगर हम इनके पीयर्स के बारे में बात करें तो पहले नंबर पे है लाइफ इंश्योरेंस के केस में ऑब्वियसली एलआईसी, बट आप एलआईसी के मार्केट कैप को देखो, इतना बड़ा होने के बावजूद आप इसके क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएबल परसेंटेज को नेगेटिव में देखोगे। अब इसका रीजन ये है दैट एलआईसी एक गवर्नमेंट कंपनी है, और आपको ही पता है कोई भी बैंक और कोई भी इंडियन कंपनी अगर बैंकरप्ट होती है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है तो एलआईसी पहुंच जाता है उसको मदद करने। अब ये मदद जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उन पे काफी भारी पड़ती है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में बाकी इंश्योरेंस कंपनियों को सिलेक्ट करो तो उनके केसेस में एचडीएफसी लाइफ का मार्केट कैप सबसे बड़ा है, और लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस के बेसिस पे एज वेल एज रिलायबिलिटी के बेसिस पे एचडीएफसी लाइफ का नाम ही काफी है। अगर मैं स्टॉक को लेके अपने व्यू पॉइंट के बारे में बात करूं तो देखिए एक बात साफ सी है, कोई भी कंपनी जो कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिट शो कर रही है, अपने बैलेंस शीट में अच्छे नंबर्स यानी ग्रोइंग नंबर शो कर रही है, वो कंपनी का जो आपको प्राइस है वो हमेशा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो उसके नंबर्स और उसकी ग्रोथ सबको नजर आ रही है, और ऐसी कंपनियां आपको कभी भी एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे नहीं मिलेंगी। बट ऐसी कंपनी जो किसी भी एक पर्टिकुलर कारण की वजह से पूरे सेक्टर में ही डिसरप्शन आ चुका हो, ऐसी कंपनी अगर क्वालिटी में अच्छी है और अगर इस डिसरप्शन के पॉइंट पे आप उस पर एंटर करते हो तो आगे चल के आप उसमें काफी अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। हमारे नेक्स्ट टॉक पे आने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज दे दूं दैट अभी तक इंडियन गवर्नमेंट आइसक्रीम पे 5% का जीएसटी लगाती थी, बट अब ये जीएसटी 5% से बढ़ के 18% का होने वाला है। इसका मतलब हमारी फेवरेट आइसक्रीम बहुत जल्द महंगी हो जाएगी। तो ऑल द आइसक्रीम लवर जाओ और आइसक्रीम स्टॉक करके रख लो, और इस एसेंशियल न्यूज के लिए चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना। हमारी थर्ड कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। अगर मैं डिक्सन के कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करूं तो ये कंपनी मोबाइल फोन्स के मैन्युफैक्चरिंग, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस, कैमरास और कई सारे मेडिकल अप्लायंसेस को बनाने का काम भी करती है। डिक्सन अपने सेक्टर में ओनली ऐसी कंपनी है जो इतने बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर मैं डिक्सन को सिलेक्ट करने का अपना रीजन बताऊं तो आपको पता होगा कि पूरा वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया चाइना प्लस वन पॉलिसी पे काम कर रहा है, यानी कि अभी तक हमारे यहाँ जो मेजोरिटी ऑफ द अप्लायंसेस आते थे
वो चाइना से या तो बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट होके आते थे। बट अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो अप्लायंसेस और जो टेक्नोलॉजी है ये मेड इन इंडिया हो। अब इस चीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे पैकेजेस लाती है, बहुत सारे ऑफर्स लाती है कंपनी के लिए जो कि इन इक्विपमेंट्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करे, और इसका डिक्सॉन टेक्नोलॉजी को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। अगर मैं डिक्सॉन के फाइनेंशियल्स पे आपको ले जाऊं तो एज यू कैन सी इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डिक्सॉन की जो सेल्स है वो कंसिस्टेंट बेसिस पे काफी अच्छा इंक्रीज दिखा रही है, और एट द सेम टाइम जो डिक्सॉन के ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहे हैं। एट द सेम टाइम इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो भी अराउंड 4% पे कंसिस्टेंटली दिखा रहे हैं, और इनके जो नेट प्रॉफिट है वो है अराउंड 218 करोड़ का, जो कि कंसिस्टेंट बेसिस पे एक इंक्रीजिंग नंबर है। इनके अर्निंग्स पर शेयर को भी आप कंसिस्टेंट बेसिस पे इंक्रीज होते हुए देख सकते हो, और सबसे अच्छी बात अगर आप इनकी रिटर्न और इक्विटी को देखो तो रिटर्न और इक्विटी में 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के बेसिस पे इन्होंने 20% के ऊपर ही नंबर शो किए हैं। अगर हम कंपनी के चार्ट पैटर्न पे जाएं तो एज यू कैन सी यहां पर हमने कंपनी का 3 ईयर चार्ट पैटर्न खोल रखा है, और 2019 से लेके 2021 तक कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का पैसा लगभग 5 गुना किया है। बट रिसेंट में राइजिंग इन्फ्लेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और गैजेट्स हैं इनका मार्केट थोड़ा प्रेशर में आया था क्योंकि डिमांड कम हुआ था, बट 3300 का लो लगाने के बाद मुझे अब लगता है यहां से कंपनी फिर से एक अप ट्रेंड शो कर सकती है, और धीरे धीरे जब मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है तो उसके साथ ही कंपनी का शेयर प्राइस भी ग्रो हो रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा दैट शॉर्ट टर्म में इस कंपनी का प्राइस और नीचे नहीं जा सकता, बट अगर आपका नजरिया मिड टर्म और लॉन्ग टर्म का है तो मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं दैट इस कंपनी के जो नंबर्स है और जो परफॉर्मेंस है वो इसका प्राइसेस को ऊपर ही लेके जाए। अगर मैं डिक्सन के पीयर कंपैरिजन के बारे में बात करूं तो डिक्सन का कंपैरिजन किसी भी और कंपनी से करना लगभग इररिलेवेंट होगा, क्योंकि डिक्सन का जो कंपनी का साइज है वो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, सेल्स और क्वार्टरली प्रॉफिट में लगभग किसी भी कंपनी से कई टाइम्स ज्यादा है। तो ये कह सकते हैं कि डिक्सन का अपने पर्टिकुलर सेक्टर में कोई कंपैरिजन नहीं है। सो इन द एंड अगर आप मेड इन इंडिया इनिशिएटिव पे बिलीव करते हो और आपको ये लगता है दैट इंडिया फोकस कर रहा है ज्यादा से ज्यादा चीजें इन हाउस बनाने का, तो आपके लिए डिक्सन टेक्नोलॉजी एक वन ऑफ द प्राइम चॉइस होनी चाहिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आप ये जानना चाहते हो दैट स्टॉक मार्केट से कंसिस्टेंट बेसिस पे पैसिव इनकम आप कैसे बना सकते हो तो लेफ्ट वाले वीडियो को जरूर देखना।